हाय गाइस, सो आज मैं जा रही हूँ मेरे टैटू के लिए एंड यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है। यू कैन सी दैट, बारिश ही बारिश है यहाँ गुजरात में। सो अभी फ़िलहाल मैं कैसे जाऊँगी मुझे नहीं पता, बट मुझे सम हाउ जाना है, वहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट है और आज हम टैटू करवाएंगे। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, थोड़ा बारिश रुक जाए तो मैं निकलूँ घर से, बिकॉज बारिश में यार भीगना और फिर टैटू करवाना, इट लाइक मूड पूरा ख़राब हो जाएगा। वैसे बारिश है बहुत रोमांटिक, बाहर बारिश हो रही है यार, तो मैंने सोचा थोड़ा चाय, गरम गरम चाय और फाफड़ा खा लेते, अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन अच्छा है इसका, आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप गुजरात में होते तो पक्का आपको पता होता फाफड़ा क्या चीज़ है। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपके नसीब में नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी आओ गुजरात में, फाफड़ा खिलाएंगे आपको। फिलहाल बारिश और गरम गरम चाय अदरक डाल के, सो गाइज ये मौसम अलग ही मौसम होता है। बारिश के बाद आसमान मतलब पूरा येलोइश टाइप का हो जाता है। आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है या नहीं, आई डोंट नो, नोटिस तो की होगी आप लोगों ने। मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है बारिश के बाद। लुक एट द क्लाउड, एवरीथिंग इज येलो, द येलो रिफ्लेक्शन। गाइज वी आर ऑन द वे फॉर माई टैटू एंड लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। यार क्लाइमेट इतना मस्त और सेक्सी हो रखा है ना यार, ओह माई गॉड। एंड वी आर ऑन द वे फॉर माई न्यू टैटूज, होप सो रिजल्ट बहुत अच्छा हो इन क्लाउड्स की तरह। होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स गो। हाय ईशान, हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन? नथिंग स्पेशल, आपकी डिजाइन रेडी कर रहा था। हो गई डिजाइन रेडी? या सो गाइस, ही इज ईशान, मोस्टली टैटूज यही करते हैं मेरे एंड ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। ये वाला टैटू आएगा, यस, सेंटर फॉर आर्म, सेंटर फोर आर्म पे आएगा ये वाला टैटू। जो डेविल का है टैटू वो यहाँ पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ओवर हेयर ऑन शोल्डर, साइड शोल्डर, एंड दिस इज आवर डेविल। गाइस दिस इज द थर्ड टैटू जो मेरे राइट शोल्डर पे आएगा, लाइक साइड राइट शोल्डर, और मेरे राइट साइड पे ये मेरा बहुत पुराना टैटू है, अ वुल्फ। सो हम स्टार्ट करने वाले अभी टैटू थोड़ी देर में। छोटे स्लम की शाने सारे लड़के और उसमें से हम भी सब खातिकारी छोकरे, तू देना मत धमकी, आगे की सोचो। ईशान सूजी है, है है, दिस टैटू इज कंप्लीटेड गाइस। Okay, so my hand arm tattoo is done. एक टैटू हमारा हो गया है हैंड आर्म, बस लग रहा है। दूसरा टैटू भी हो गया है, तीसरा टैटू ऑन द वे है, एंड जैसे कि इस टैटू का मतलब है एक तरफ एंजल एक तरफ डेविल, जो सबके दो साइड्स होते हैं, तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है, सिंपल नहीं है, मतलब काइंड ऑफ मोस्टली लोगों को पता ही है ये मीनिंग क्यों मैंने करवाया, एक तरफ एंजल और एक तरफ डेविल। सो एवरीबडी हैव टू पर्सनैलिटी, सो दैट्स वाई मैंने ये टैटू करवाया है। और ये रिंग टैटू तो मुझे बहुत पहले से करवाना है, सो आई लव दिस वन,
पर्सनली आई लव दिस वन. सो देखते हैं अभी लास्ट टैटू बाकी है, देन वी विल सी द होल रिजल्ट. ऐसे कितने घंटे हो गए वैसे हमें? 6 घंटे हो गए गाइस, और 6 घंटे में हमने ये अपना तीनों के तीनों टैटूज कंप्लीट कर दिए. एंड दिस इज आवर डेविल टैटू राइट हियर, एंड दिस इज सो गुड. I am in love with this tattoo. This is so good. Finally, hope so आपको पसंद आए. And मुझे बहुत दर्द हो रहा है. जब भी आपको बुक करना है अपॉइंटमेंट फॉर द लवली टैटूज, एंड ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, टैटू आर्टिस्ट है, तो जब भी आपको आना हो तो ईशु इन टैटू स्टूडियो में पक्का आइएगा. जो गोरवा साइड है राइट, गोत्री, गोत्री साइड है. ओके, गोत्री साइड जो है वहाँ पे पक्का आप विजिट कीजिए. ही इज़ अमेजिंग आर्टिस्ट एंड ही इज़ रियली अ नाइस फ्रेंड ऑफ माइन. थैंक यू. मैं नहीं हाथ मिला रही. आई एम वार्निंग यू कि अगर आप टैटू करवा रहे हो, पहली बार करवा रहे हो, तो ऐसी ब्लीडिंग भी हो सकती है. यू कैन सी मेरे ये डेविल टैटू में से ब्लीडिंग हो रही है. यस, दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग लाइक, वेरी डिजास्टर. एंड ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे, बट मुझे इतना पेन नहीं हो रहा है बिकॉज़ ये पहली बार नहीं है कि मैं टैटू करवा रही हूँ. ये मेरा आई गेस ये टोटल अब मिला के मेरे 9 टैटूज़ हो गए मेरी बॉडी पे. सो मुझे आदत है, बट जो फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं टैटू, प्लीज़ बी अवेयर. एंड देखना आपको कहीं मतलब ब्लीडिंग हो रही हो ऐसी, और हो सकती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. अगर बहुत ज़्यादा स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ आप ना ही करवाए टैटू, तो बेटर है. और मतलब डू इट एट योर ओन रिस्क आई मस्ट से. डेविल इज़ रियली लुकिंग लाइक ब्लड डेड डेड. अच्छा सुन सुनिशा, चाय पीने चलते. जल्दी चलो, जल्दी चलो.